हाँ, जैसे कि जीबी रोड पे हो गया, उन साइड चलता है ना, तो सेम वही धंधा चलता है उसमें, बस एक उसमें आ जाता है कि मसाज हो गया और स्पा हो गया। नहीं, मसाज भी चलती है, और किसी को एक्स्ट्रा सर्विस लेनी हो तो वो भी चलती है। तो एक्स्ट्रा सर्विस मतलब क्या होता है उसमें? जैसे कि हमने किसी की मसाज की, तो उसने बोला कि मुझे एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, तो हम एग्री रहते हैं। नहीं, कुछ इंसान ये समझ नहीं पा रहे ना हमारी पब्लिक की, एक्स्ट्रा सर्विस का नाम किस चीज़ का दे रखा आपने? टपाटप। अच्छा, मतलब गलत काम, जैसे जी बी रोड पे इन काम। हाँ, जैसे कि जी बी रोड पे हो गया, उन साइड चलता है ना, तो सेम वही धंधा चलता है उसमें, बस एक उसमें आ जाता है कि मसाज होगी और स्पा हो गया। एक गलत शारीरिक संबंध बनाने को आप एक्स्ट्रा सर्विस का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो देखो, आप आम पब्लिक समझ नहीं समझ पाएगी इस चीज़ को, जो कभी नहीं गए होंगे उनको समझ भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इनका नाम ही कुछ और रख रखा है इन्होंने। तो फिर जो आप ये काम करते हो, इसके ऊपर रोक नहीं सरकार की कुछ? नहीं, होती है रोक, पुलिस वाले आते हैं, ले जाते हैं उठा के, इधर उधर सिफारिश भी लगती है, ज़्यादातर पुलिस वाले आते हैं, उन्हें अपना बना रखा होता है, और जो भी एमएलए वाले हो गए, उनके जो लड़का हो गए, वो भी आते हैं, तो चलता रहता है धंधा। मतलब आप छूट भी जाते पुलिस से? हाँ, आराम से। पैसे दे छूटते हैं किसी सिफारिश से? नहीं, सिफारिश लगती है। तो सिफारिश फिर करता कौन, जब कानून खुद गलत कर रहा है तो? वो तो है, उनके एमएलए के लड़के हो गए, जो भी ये है इलेक्शन वाले लोग, वो ज़्यादातर यही आते हैं। हाँ, जो मंत्री, एमएलए, एमपी, इनके रिश्तेदार वर्ग, ये कोट मतलब जो हैं, ये मसाज पार्लर इन्हीं के हैं कुछ? हाँ, इन्हीं के होते, ज़्यादातर यही खुलवाते हैं, ये अपना नाम तो दिखने नहीं देते। हाँ, मतलब गलती तो हमें दिखा देते कि गलत तो एक लड़की है। हाँ, बट वो होता नहीं है ना ऐसा। अच्छा, इसके पीछे काम करवाने वाले कोई और होते हैं? हाँ, हम तो बस ये कि हमारा काम होता है, हमें पैसे मिलते हैं, हम काम करते हैं। तो मतलब जैसे हम एक ग्राहक जाता है आपके पास, 1,000 रुपये देता है, तो आपको क्या मिलता फिर उसमें? देखो, वो 1,000 रुपये तो मसाज के देता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सर्विस होती है उसके वो हमें ही देता है। अच्छा, जैसे कि 500 हो गए, जो भी बनते हैं वो दे देते हैं। वो आप ही रखते हो या उसमें से कमीशन देना पड़ता है? नहीं, वो हम रखते हैं, मसाज के वो रखते हैं। हाँ, मसाज के वो रखते हैं, इस तरह अलग अलग बांटा गया। हाँ, और जो वहाँ का जो किराया, रेंट वगैरह उस दुकान का, तो वो कौन देगा? जो हमारी मतलब मान लो ओनर है, जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, वही भरती है। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ सैलरी पे होते हैं या वैसे पेमेंट पे होते हैं अलग अलग? नहीं, वैसे बन जाते, दिन के पैसे बनते रहते हैं, 3 से 4 हज़ार। कोई सैलरी नहीं होती? नहीं, फिक्स नहीं होती इसमें। तो फिर ये लड़की आती कहाँ से इनके पास? देखो, ज़्यादातर लड़कियाँ बॉम्बे से भी आ जाती है, दिल्ली से भी ले आते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब जैसे मैं खोलता हूँ तो मुझे कहाँ मिल जाएंगे एकदम? कोठों पे मिल जाएगी। कोई कोऑर्डिनेटर होता क्या बीच में? हाँ, रहते हैं, जने रहते हैं, जो लड़कियाँ सप्लाई करते हैं धंधे वाली। अच्छा, ये इतना कारोबार चलता है और इसका पुलिस का किसी को पता नहीं होता? नहीं, पुलिस को भी पता होते हैं, बट वो अपने पैसे खाते हैं। अच्छा, पुलिस अपना खा जाती है? तो मतलब पूरा सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। हाँ, तो देखिए, ये पूरा जो सिस्टम पूरा गिरोह होता है, ये ऊपर से नीचे तक सब करप्ट होता है। पता सभी को होता है, पता कानून को भी होता है, पता सरकार को भी होता है कैसे कुछ चल रहा है, मगर चलता भी रहता है। तो एक तरफ देखें तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी चलता है, क्योंकि इस चीज़ से जो हमारी आम समाज की लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं बची रहती हैं, जो अवश्य के भूखे, शिकारी भूखे घूमते हैं, तो उनको इन जैसी लड़कियां मिल जाती हैं जो, और वो अपनी भूख वहाँ पर मिटा लेते हैं। हाँ, रेप होने से बच जाते हैं, और रेप होने से जो बलात्कार केस होते हैं उनसे बच जाते हैं कहीं ना कहीं। कुछ तो अच्छा भी हो रहा है, इनको भी रोजगार मिलता है, मगर कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है कि इनको यही रोजगार क्या मिला। तो फिर इनको इसमें तकलीफ भी होती होगी काफ़ी आपको? होती है तकलीफ, बट क्या करे, काम है, पेट तो पालना है। तो फिर जैसे रात को कहाँ जाते हो आप सोने के लिए? रात को अपने घर चले जाते हैं। जैसे नहीं, आप तो जैसे मुंबई से आके रहते, जैसे हरियाणा या दिल्ली के अंदर हो, तो फिर कहाँ सोते? पीजी में। अच्छा, अलग से कमरे ले रखे? हाँ, अलग से कमरे ले। और जो जहाँ पर मसाज पार्लर, वो अलग खुला हुआ? वो अलग खुला होता है। अच्छा, जो वहाँ पीजी में रहते हो वो अपने किराए पे रहते हो? हाँ, वो किराया आपका हुआ। अच्छा जी, तो सारा इस तरह का काम चलता है, इलीगल ही काम है। तो फिर आप कोठों पे क्यों नहीं करते फिर ये काम, जब वहाँ पर सरकार भी कोई कुछ नहीं कहती और कोई कुछ नहीं? कोठों पे भी रेड पड़ती है। नहीं, वहाँ तो सरकार ने बोल रखा है कि भाई चलो ये तो काम कर सकते, जो हमने सरकारी खोद रखे हैं, जैसे जीबी रोड है। नहीं, वहाँ पर भी रेड पड़ती है, पड़ती है, लोग आते हैं वहाँ पर, चेकिंग होती है, पुलिस आती है, लेके जाती है, उठा के जाती है, जहाँ इलीगल जगह खोल रखा है। जैसे कि आज के टाइम में लोग अपने घर में ही खोल लेते हैं, धंधा करना चालू कर देते हैं, लड़कियाँ बुलाते हैं, लड़के बुलाते हैं, तो पुलिस आकर ले जाती है। अच्छा, फिर
छूट भी जाते हैं? नहीं, जहाँ पर इलीगल है तो वह छूटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, टाइम तो लगता है, एक बार बदनामी लग गई तो लग गई, जो छापा पड़ गया तो बस। तो ठीक है, तो दोस्तों आप समझ भी गए होंगे कि ये कौन सी सर्विस होती है, कैसी सर्विस होती है, मसाज कैसे होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती होंगी, और हम मैडम सालू का भी धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने इतनी अपनी जानकारी दी, अपने बारे में बताई। तो हमने कहीं ना कहीं इनका नाम भी गलत रखा हुआ इसमें, नाम तो इनका रियल कुछ और ही है, वैसे बनावटी नाम रखा इस वीडियो में। और ना हम इनका कुछ चेहरा दिखा सकते, मजबूरी हमारी भी, क्योंकि इनको भी कहीं काम करना होता है, ये भी समाज के अंदर रहते हैं बीच में, तो इनका चेहरा भी दिखा सकते। इसके लिए सॉरी, इसके लिए और अगली वीडियो होगी जो उसमें कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए, नई चीज़ सिखाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।